अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप लोगों ने अपने लिए सिर्फ 30 मिनट्स निकालने हैं एक्सरसाइज करने के लिए। सब काम साइड पर रख दे, सब टेंशनें साइड पर रख दे, बस आप लोग सो के उठे, अभी नाश्ता नहीं करना, एक ग्लास नीम गर्म पानी का पीना है और थोड़ी सी फेस एक्सरसाइज और फेस मसाज कर लें। इससे बहुत अच्छा आपके फेस पे ग्लो आएगा, लिफ्ट आएगा, आप लोग का मूड भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके सर में या गर्दन में दर्द है ये भी आप लोग की चली जाएगी। सबसे पहला स्टेप है, हम सो के उठे हैं, हमें नाश्ता नहीं करना, नीम गर्म पानी पीना है और आंखों के अंदर आई ड्रॉप्स डालने हैं, जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। दो दो ड्रॉप्स आई ड्रॉप्स हमने डाल लिए हैं। अब कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करेंगे और इनहेल और एक्सहेल करेंगे। ड्रॉप्स का आप लोगों ने ये ख्याल रखना है, एक दफा अगर ये खोल लेते हैं 2 से 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, हमने न्यू ले लेना। हमने पुराना अगर 6-7 महीने पुराना आई ड्रॉप्स पड़ा हुआ है, बेशक फ्रिज में पड़ा हुआ, उसको इस्तेमाल नहीं करना, डिस्कार्ड कर लेना है, आपकी आंखों के लिए ही बेहतर है। ठीक है, आई ड्रॉप्स हमने कर लिए। स्टेप है जी, हमने अपने मुंह को जगाना है टैपिंग के साथ, फिंगर्स बहुत ज्यादा जोर से नहीं करना है। टेंशन, स्ट्रेस, काम की टेंशन, आज ही गर्दन की स्ट्रेचिंग करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको माइग्रेन का इशू रहता है, थकावट होती है, मेरे क्या होता है जब मैं ज्यादा काम करूं थकावट होती है, मेरे कंधे दुखने शुरू हो जाते हैं। एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, प्रेशर स्टेप है, हम लोगों ने हाथ सीधा करना है, दूसरा हाथ यहां लेके आना है, इसको अंदर की तरफ ये देखें और मुंह इधर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आराम से दूसरा हाथ सीधा करेंगे यहां पे अंदर की तरफ। यहां पे प्रेशर डालेगा
देखिएगा इस स्टेप तक आते आते आप लोग कितना रिलैक्स हो जाएंगे, आपके शोल्डर्स, आपके बाजू, आपकी गर्दन, आपका सर। सर शुरू करते हैं, हमने कोई भी ऑयल ले लेना है जो आप लोग के मुंह पे सूट करता है। मैंने पम्पकिन ऑयल लिया है। सबसे पहला स्टेप है अच्छे तरीके से ऑयल अप्लाई कर लेना। हम लोगों ने स्माइल करनी है, फुल पंजा लेके जिस तरह आप लोग के लिए यूं करना, मुझे यूं करना अच्छा लगता है, आप लोग यूं भी कर सकते हैं। फुल स्माइल, फिफ्टीन टाइम्स, फिफ्टीन। और यहाँ पे स्टॉप, जिस प्रोसेस को करना है उस पॉइंट को हमने यूं मसाज देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगली एक्सरसाइज जॉ लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं, आप ही आपका मुंह इतना बड़ा था। वाकई मेरा मुंह बहुत ज्यादा बड़ा था क्योंकि फैट भी बहुत ज्यादा था और शेप में भी नहीं था। वो बेबी फैट भी होता है, वो भी निकल जाता होता है। अब एज भी ज्यादा होगी, एज के साथ साथ बेबी फैट भी नहीं रहता, लेकिन एक्सरसाइज से, मसाज से बहुत फर्क पड़ता है। जॉ लाइन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज ये है, थोड़ा सा मुंह ऊपर की तरफ टिल्ट, जो नीचे वाला जॉ है होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। अगेन रिलीज। ये हमने सेट तकरीबन 5 से 6 दफा करने हैं। अगर आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया पहली दफा तो आप लोग यहाँ पे खलियां पड़ जाएंगी, ठीक है? तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, खलियां 3 से 4 दिन में चली जाएंगी। बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना क्योंकि किसी के जबड़े जो होते हैं ना यहाँ से स्ट्रांग इतने नहीं होते, वो जबड़े क्रिक क्रिक हिलते हैं। तो आप लोगों ने उतना प्रेशर लगाना है जितना आपका मुंह बर्दाश्त कर सके, फिर प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। ये देखिए, इधर भी स्ट्रेच आएगा। अब हम करेंगे फोरहेड की एक्सरसाइजेस। जब हम काम कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की याद होती है यूं करके काम करने की, यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। देखिए पड़ रही है ना मेरे झुर्रियाँ। यूं हमने काम नहीं करना, कोई चीज़ पढ़नी है यूं करके पढ़ना है, कुछ चीज़ टीवी देखना है यूं करके देखना है। जब हम यूं करके काम करते हैं ना, उधर ऑटोमेटिकली जल्दी झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, एज से पहले ही पड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए जो काम करना है स्ट्रेट रह के करना है। फेस को जिस चीज की आदत देना शुरू कर देंगे, फेस उस तरह का रिएक्ट करना शुरू कर देगा। इसलिए काम करना है स्ट्रेट, टीवी देखना है स्ट्रेट, यूं बल नहीं देने बिल्कुल भी मुंह पे। अच्छा, अब हम फोरहेड की करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2 आईब्रोज यूं पर करके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये प्रेशर पॉइंट, प्रेशर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारे यहाँ पे लाइंस पड़ना शुरू होती हैं। ये देखिए, ये पड़ रही है ना, ये लाइन, ये बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है, 20 टाइम्स
लास्ट एक्सरसाइज है नेक टाइटनिंग की, हमने जितना स्ट्रेच करते सकते हैं स्ट्रेच करना है और सीलिंग पे यूं। रिलैक्स 5 times। लास्ट स्टेप गर्दन को पीछे की तरफ, इधर प्रेशर उठा के, इधर प्रेशर उठा के, इधर प्रेशर उठा के, इधर प्रेशर। रिलैक्स हो जाए, अब मसाज कंप्लीट। ये लास्ट स्टेप है आइस फेशियल। अच्छा, आइस फेशियल लाजमी करना है, जिनकी एक्नी स्किन होती है ना ऑयल मसाज के बाद, उनके पिंपल्स नहीं बनेंगे। अगर ज्यादा ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप लोग थोड़ा ठंडा पानी कर लें। चलें जी, इसके अंदर मोडअप करते हैं। इसको मैं 3-4 दफा और करूंगी। अब चलते हैं जी कॉलेजन, अब पी लिया जाए। अच्छा, कॉलेजन का बहुत से सोर्सेज हैं। कॉलेजन या तो क्रीम्स होती हैं, या तो पाउडर होता है, या तो आप इस तरह शॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्टीजनॉल की शॉट्स है। ये मैंने 3 महीने का स्टॉक इकट्ठे कर लिया था, अब तो मेरी थोड़ी सी रह गई है। इसके अंदर शुगर नहीं है। इसको सुबह के वक्त यूं खोलना है, ठीक है, और पी लें। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने 30 क्रॉस कर लिया है, 30 से पहले ही झुर्रियां और फेस डल होना शुरू हो गया है, लटकना शुरू हो गया है, ये आप लोग रूटीन का हिस्सा बना लें। हफ्ते में 3 दफा कर लें बहुत है, 4 दफा करना है 4 दफा कर लें, 5 दफा करना है 5 दफा कर लें। और जी रेटिनॉल, कॉलेजन, आइस फेशियल, फेस मसाज शुरू कर दें आप लोग, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका फेस टोन अप हो जाएगा। जिस तरह बॉडी की लेग साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस के लिए लेग साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस बहुत अच्छा, अट्रैक्टिव और प्यारा लगना शुरू होता है। चले जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैंने पिया तो मुझसे बोलना नहीं जा रहा, वो जुबान पर चिपक जाता है। मैं एक और कर लूँ। ओके जी, आप लोग भी अपना पानी ठंडा लेके आए, बर्फ लेके आए और मूड अप करें।